डीडवाना जिले के अधीनस्थ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को अब पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निम्बी खुर्द के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि ये विद्यालय ब्लॉक डीडवाना का एकमात्र विद्यालय है जो केंद्रीय योजना में लाभान्वित हुआ है। इसी के तहत सोमवार को जिलाधीश डीडवाना के निर्देश अनुसार राजकीय बांगड़ चिकित्सालय की एक 8 सदस्यीय टीम ने अध्ययनरत विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान डॉक्टर ढाका ने बेरा ने बताया है कि यहां अधिकांश बच्चों में एनीमिया के लक्षण पाए गए हैं, जिन्हें उचित सलाह के साथ कुछ बच्चों को राजकीय चिकित्सालय डीडवाना आने को कहा गया है। इसी क्रम में प्राचार्य इलियास खान ने बताया कि पीएम श्री योजना के अंतर्गत 40 लाख का खेल मैदान, 17 लाख 50 हजार का वाचनालय, साइंस लैब समेत खेल सामग्री के लिए करीब 1 करोड़ का बजट निर्धारित है। साथ ही आने वाले वर्ष में दानदाताओं से अच्छे दान की संभावना है। डीडवाना से संवाददाता मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। माध्यमिक विद्यालय में पीएम श्री स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और जिसमें बांगड़ जिला चिकित्सालय की टीम ने यहाँ पर अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय खान जी, नाका अंगला रोग विशेषज्ञ में डॉक्टर रामनिवास ढाका, मनोचिकित्सक डॉक्टर प्रियंका रुवेला और जनरल फिजिशियन रणदीप बेरा जी ने यहाँ पर सेवाएँ अपने जो नर्सिंग स्टाफ और फार्मासिस्ट के साथ में दी। और इसमें लगभग सभी जो है बच्चों में, एक तो यहाँ पर ज़्यादातर माल न्यूट्रिशन के केस काफ़ी देखने को मिले और बच्चों में जो वायरल अभी चल रहा है सर्दी जुकाम बुखार, इनके भी काफ़ी पेशेंट देखे गए। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक विशेष योजना है जिसमें ये तय किया है कि एक ब्लॉक लेवल पर एक प्रधानमंत्री राइजिंग स्कूल ऑफ इंडिया के नाम से एक मॉडल स्कूल बनाई जाए जिसमें NEP 2020 की जितनी भी कितनी गतिविधियाँ हैं वो सारी की सारी गतिविधियाँ इस स्कूल में लागू की जाए और विशेषकर बाल वाटिका के रूप में जो पूर्व प्राथमिक आंगनबाड़ी के रूप में पहले संचालित होती थी वो आंगनबाड़ी पूर्व प्राथमिक विद्यालय अब इसी पीएम श्री योजना के तहत पीएम श्री जो विद्यालय हैं सेलेक्टेड उनके अंदर लागू की गई है।